अगर हम देखा जाए तो लीगलिटी और टेक्निकली, अगर लीगलिटी की बात की तो आलोक जी से आपने सुना ही दोस्तों कि लीगली कंपनी कितना स्ट्रांग है, जैसे कि 5 कंट्री के हमारे ऑफिसेस, 6 कंट्री के लीगल डॉक्यूमेंट, अभी 7वां कंट्री भी ऐड होने जा रहा है। तो ये लॉन्चिंग से पहले होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और ये हम बहुत सारी कंपनियों में लॉन्चिंग के बाद कई सालों तक ये चीज देखने को नहीं मिलती है, या वो ट्राई करती रहती है कि हम दूसरे कंट्री में रजिस्टर होके वहां पे भी अपना अच्छा खासा काम बनाए। तो हमारे जालेबस्टर का एक यूनिक चीज है कि लीगलिटी के मामले में कभी पीछे कोई कसर नहीं छोड़ता है, और हमारे ब्रांड को पता है कि जब हम किसी भी कंट्री में 4 या 5 लाख लोग रजिस्टर वेरीफाई मेंबर कर देंगे, और जैसे हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो ये सीआर में तब्दील होना चालू हो जाएंगे, और जैसे ये सीआर में तब्दील होंगे तो टर्नओवर बड़ा होगा, पे आउट इन और आउट ये दोनों चीजें बड़ी मात्रा में होगी, और गवर्नमेंट के नजर में टैक्सेशन का भी मामला बहुत निखर के आएगा। सो उस टाइम पे कोई चैलेंज गवर्नमेंट की तरफ से सामने नहीं आना चाहिए, तो अभी से कंपनी उस कंट्री का पर्टिकुलर डायरेक्टर, उस कंपनी का एडमिन डिपार्टमेंट, उस कंपनी का बैंकिंग डिपार्टमेंट, टैक्सेशन डिपार्टमेंट सारा सेपरेट कर रही है, ताकि उस कंट्री की ये खुद कंपनी है, मतलब उस कंट्री से बिलोंग कर रही है, ऐसा फील हो ये हमारी देश की कंट्री, हमारे देश की कंपनी इस तरीके से। तो ये दूसरा कोई कंपनी ने आज तक नहीं सोचा, और मुझे नहीं लगता आगे चल के इतने बेहतरीन तरीके से सोचेगी भी। जैसे कि आप देखते हो कि जो भी लीगलिटी के कंपनी डॉक्यूमेंटेशन बनाती है तो वहां पे कंपनी उस कंट्री के नाम के साथ बनाती है, जैसे कि ज़ा लाइफस्टाइल इंडिया लिमिटेड, ज़ा लाइफस्टाइल नाइजीरिया लिमिटेड, इंडोनेशिया लिमिटेड। तो अगर कंपनी अलग कंपनियों की तरह अगर साउंड करना होता था तो आप देखते होंगे बहुत बड़े बड़े ब्रांड 30 से 40 सालों से मार्केट में चल रहे, पर उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको सिर्फ उसी कंट्री के नाम से या उसी नाम से दिखेगा, और उसी नाम से वो पूरे विश्व में फैलते हैं। सो ये बहुत बड़ा यूनिक पॉइंट है टेक्निकली। अभी टेक्निकली अगर बात करें दोस्तों तो टेक्निकली अभी से इतनी मजबूत है कि बाकी अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो जो 4-4, 5-5 सालों में नहीं कर पाते या उनको जरूरत भी नहीं पड़ती उन चीजों की, उससे ज्यादा और उससे बेहतरीन तरीके से टेक्निकली कंपनी लॉन्चिंग से पहले अपने आप को मजबूत बना रही है। जैसे कि 6 सर्वर की हम बहुत बार बात कर चुके हैं, और आप भी उनको बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि 6 सर्वर को लेके 6 सेक्टर के अलग अलग चीजों में अपना काम बनाना, जैसे कि हम अगर देखा जाए तो वर्ल्ड लेवल पे 3 सेक्टर स्ट्रांग हमें नजर आते हैं, उसमें से सबसे पहला सेक्टर होता है स्टॉक मार्केट, दूसरा एडवर्टाइजमेंट सेक्टर, तीसरा शॉपिंग पोर्टल, और चौथा क्रिप्टो, जो आज की डेट में पिछले 2 सालों से बहुत बढ़िया लेवल पे अपने आप को रख रहा है। और इसका अगर आप ग्रोथ और इसका अगर टर्नओवर देखें पिछले साल भर का, तो किसी भी सेक्टर के मुकाबले आपको क्रिप्टो करेंसी का टर्नओवर ज्यादा दिखेगा या वो अच्छा साउंड करेगा। सो दोस्तों, अगर ये दुनिया के 4 बेहतरीन सेक्टर आज की डेट में पूरे वर्ल्ड पे राज कर रहे और इतने बेहतरीन तरीके से इनके रुझान आ रहे, और उन्हीं सेक्टर में हमारा कंपनी वर्ल्ड क्लास लेवल पे अलग अलग सर्वर पे काम बनाने जा रहा है, तो सोचो आने वाला फ्यूचर कितना बड़ा स्ट्रांग रहेगा। तो ये बातों से आपको पता चलेगा कि मुझे और कुछ बताने की जरूरत नहीं आपको कि अपना ज़ा लाइफस्टाइल क्यों स्ट्रांग है। स्टॉक मार्केट की बात करें तो स्टॉक मार्केट अपने आप में बहुत बड़ा शार्क है इकोनॉमिकल। जिन जिन लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में पता है वो लोग जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में किसी भी कंपनी का लिस्टेड होना और लिस्टेड होके 1 यूरो 88 रुपीज से वो शेयर का स्टार्टअप होना, ये अपने आप में बहुत विशाल का ये बात है दोस्तों। दूसरे पास एडवर्टाइजमेंट सेक्टर तो आपको तो पता है कि जितने भी प्लेयर्स हम हमारे आंखों के सामने जो स्टार्स है, प्लेयर्स है, हीरोज है, या जो हमारे सुपरस्टार होंगे, उनका जितना भी आय आता है पूरे साल भर का, उसमें से 90% उनका इनकम होता है एडवर्टाइजमेंट सेक्टर से, और जस्ट 10% इनकम होता है उनका जो पर्टिकुलरली वो जो सेक्टर में वर्क बनाते हैं उसमें से जो अर्निंग आता है उस 10% का, और 90% एडवर्टाइजमेंट सेक्टर से। तो इससे हमें पता चलता है कि एडवर्टाइजमेंट सेक्टर में कितना बड़ा खर्चा किया जाता है और कितना बड़ा ये सेक्टर है जिस सेक्टर को हमारा कंपनी प्रमुख तौर पर आगे लेके आया है। तीसरा सेक्टर शॉपिंग पोर्टल। अभी कोरोना की अगर बात करें दोस्तों हम, तो कोरोना के कारण पूरे विश्व के कितने बुरे हाल है, और पूरे विश्व को पता चल गया है कि ऑनलाइन और टेक्नोलॉजी इन दोनों के साथ हम शॉपिंग पोर्टल पे जाके घर बैठे सारी चीजें आराम से मंगा सकते हैं, या टीवी पे देख के या ब्रांड्स को पढ़ के उनसे शॉपिंग करके हम अपने अपने घर में सुरक्षित रह सकते हैं। और ये पिछले 1 साल का अगर इन शॉपिंग पोर्टल्स का अगर हम रेशो देखें तो मुझे नहीं लगता कि ये सेकंड या थर्ड पायदान की इनकी गुंजाइश है, ये टॉप पोजीशन पे जाने के लिए अपने आप को रख रहे। क्यों रख रहे? तो हम लोगों की वजह से, और ये कोरोना ने बहुत अच्छे से बता दिया कि शॉपिंग पोर्टल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर इन फ्यूचर।
ओके okay? तो ये सेक्टर को भी कंपनी अपने आप में बहुत अच्छे से बना रही है। चौथा सेक्टर क्रिप्टो करेंसी। अभी क्रिप्टो करेंसी सेक्टर की बात की जाए दोस्तों, तो इसमें भी कंपनी स्ट्रांग तरीके से उभर के आ रहा है। ना ही सिर्फ अपना क्रिप्टो ला रहा है, तो एक्सचेंज के ऊपर भी सोच रहा है। अभी एक्सचेंज के ऊपर सोचना मतलब अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। मतलब सिर्फ हम ज़ा कॉइन को ही मार्केट में उतार के उसके थ्रू हम अर्निंग करेंगे, उसके थ्रू ट्रेडिंग करेंगे नहीं, तो हम अपने एक्सचेंज पे जाके बहुत अच्छे और हैंडसम जो हम बोलते हैं ब्रोकरेज या फिर जो भी कुछ बाइंग और सेलिंग का जो भी रेशो बनता है वो बहुत अच्छे से अर्निंग कर सकते हैं। तो ये चारों सेक्टर में कंपनी अपने आप को बहुत अच्छे से स्ट्रांग रख रही है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट फ्यूचर कंपनी सपोर्ट। अभी देखिए दोस्तों, अगर हम इंडिया की बात करें और इंडिया की बात करें तो लगभग मेरे ख्याल से 15 लाख लोग रजिस्टर हो चुके हैं और कम से कम 3 से 4 लाख लोग वेरीफाई मेंबर्स इंडिया में होंगे, जितना हम अनुमान और रेशो इंडिया का काम देख रहे हैं। तो दोस्तों जब हमारा कंपनी लॉन्च होगा और 30 लाख लोग मार्केट में उतरेंगे, चलो वो 30 लाख का हम फिगर ना देखते हुए इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में जब 3 लाख लोग मतलब 30 लाख का अगर 10% भी इंडिया कवर करता है रजिस्टर मेंबर, तो 3 लाख लोग जब मार्केट में उतरेंगे और हमारे इंडिया के जो लीडर्स है वो कितने भूखे हैं, किस तरीके से काम बनाते हैं और अपने अपने क्षेत्र के कितने माहिर लोग हैं हमको पता है, तो ये 3 लाख लोग विद इन अ फ्यू मंथ्स 30 लाख में तब्दील होंगे और कुछ एक हद दो साल में 3 करोड़ या 5 करोड़ में तब्दील होने की पूरी पूरी गुंजाइश है। और दोस्तों जब ये फिगर मैजिकल फिगर 3 CR या 5 CR का सिर्फ इंडिया लेवल पे जाएगा और यहाँ पे इतना सारा जन समुदाय ज़ा लाइसेंस के थ्रू मंथली अपनी अर्निंग सेट करेगा, इकोनॉमिकल फ्यूचर प्लानिंग या फैमिली का इकोनॉमिकल सेटअप करेगा, तो दोस्तों ये हमारे इंडिया के GDP के लिए, हमारे ग्रोथ के लिए और इंडिया के जॉब्स सेक्टर के लिए बहुत बड़ी बात रहेगी। बहुत बड़ी बात नहीं, तो ज़ा लाइफस्टाइल ये इंडिया का टॉप ब्रांड रहेगा किसी भी सेक्टर के जॉब्स प्रदान करने के मामले में। आप मेरी बात समझ रहे होंगे तो समझ लीजिए, आप रेलवे सेक्टर को उठा के देख लीजिए, गवर्नमेंट के जॉब्स को उठा के देख लीजिए, कोई भी सेक्टर आपको इंडिया के पॉपुलेशन का 10% 5% भी नजर नहीं आएगा। और हमारा ज़ा लाइफस्टाइल ब्रांड लगभग 5% को टच करने की पूरी गुंजाइश रखता है। और 5% जॉब्स प्रदान करना इंडिया की पॉपुलेशन को, ये अपने आप में अपने गवर्नमेंट को बहुत प्रभावित और बहुत उल्लासदायी बात रहेगी। और देखना आप आगे चल के बहुत बड़े बड़े रिवार्ड इंडिया गवर्नमेंट के या इंडियन के ज़ा लाइफस्टाइल को मिलेंगे और उनके थ्रू मिलेंगे तो हमें भी मिलेंगे दोस्तों, क्योंकि हम इनिशियल स्टेज पे इतने बड़े लेवल पे इसका कैंपेनिंग का हिस्सा बने हुए हैं। तो ये बात आप अगर दूरदृष्टि के थ्रू सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि आने वाला फ्यूचर आपका और अपने फैमिली का कैसे रहेगा। तो ये कुछ स्ट्रांग पॉइंट है। और ये जो लास्ट पॉइंट बोला मैं, ये बात को आप फिर से नोटिस करना कि इंडिया के GDP में 1 या 2 साल के बाद सबसे उभरता हुआ सितारा, उभरता हुआ ब्रांड और उभरता हुआ अगर जॉब्स प्रदान करने वाला सेक्टर कोई रहेगा तो एकमात्र सेक्टर रहेगा ज़ा लाइफस्टाइल्स। और मैं बोल रहा हूँ तो आप लोगों के भी बदन पे रोंगटे इसके कारण खड़े हो रहे होंगे, आप भी समझ पा रहे होंगे ये बहुत बड़ी बात रहेगी इंडिया के लिए। तो सोचो जब 3 से 5 करोड़ लोग अपना परिवार चलाएंगे, अपना इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड सेट करेंगे, तो ये चीज कौन से लेवल पे रहेगी। ओके सो प्लस ज्यादा से ज्यादा ये क्रूशियल मंथ है हमारा, अप्रैल मंथ इज अ वेरी क्रूशियल। हाथी निकल गया है, सिर्फ पूछ बाकी है, तो अपने टीम को सपोर्ट कीजिए, KYC कंप्लीट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर्स और पॉइंट को इकट्ठा कीजिए। थैंक यू सो मच धनंजय जी।